चौधरी जी, चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करना। क्यों ऐसा विचार क्यों आया आपके मन? क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है, राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। समाजवादी पार्टी के लोगों जो कितने सारे समाज के लोग हैं, सब विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सारे समाज का चला रहा है उनका। मैं भी कमा रहा हूँ पैसे, कमाने के लिए आया हूँ। क्या योजना है, पैसे कैसे कमाएंगे? देखो, जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है, ये है, और कई तरह से काम होते हैं जो मुझे कुछ लोग बताएंगे। अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा, जितने बाद अपने नॉलेज आ जाएंगे, अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। अच्छा, क्या जनता को जो और जो नेता बने हैं उन लोग बेवकूफ वगैरह बनाया क्या भाई? इतना बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसी उसमें कोई काबिलियत तो होगी जनता को बेवकूफ बनाने की? मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा। अब मेरा दिमाग बेवकूफ बनाने की यहाँ से नामिनेशन फाइल करके अब मेरा दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को, और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना। आप किसको बेवकूफ बनाएंगे, किस जनता? 88 जनता को, 88 विधानसभा, दक्षिण विधानसभा। ठीक है।